इसमें तो आप लिखे हैं कि 2 साल आपने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया है, क्यों? सर एक दुकान था वहाँ पे, वहीं पे हम लोग काम करते थे सब। कॉल आ जाता था तो जाके बनाते थे, और वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला सर। वो कोई बड़ा कंपनी नहीं था, वो ऐसे ही एक दुकान था जिसमें हम लोग काम करते थे। कहाँ काम किए थे आप? दिल्ली में मैं काम करता था सर, और उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मैं लगाया हूँ सर, कि मैं ट्रेनिंग लिया था 2 साल पहले, सीखने के बाद वहाँ पे काम करना मैं शुरू किया था। तब तो प्रैक्टिकल का अच्छा नॉलेज हो गया होगा आपको। हाँ सर, क्या क्या होता था वहाँ? यही सब, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यही सब बनाते थे हम लोग। अच्छा, मान लीजिए एक फ्रिज है और वो कुछ देर तक कूलिंग कर रहा है, जैसे ही कूलिंग शुरू हो रहा है तो वो फिर ट्रिप कर जा रहा है, बंद हो जा रहा है, फिर कुछ देर के बाद स्टार्ट हो रहा है, फिर जब कूलिंग शुरू हो रहा है तो बंद हो जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? ऐसा प्रॉब्लम तो मॉइस्चर चोकिंग होता है तब आता है सर, आखिर ये चोकिंग होता कैसे है? जब गैस भरते टाइम में गैस के साथ अगर मॉइस्चर अंदर चला जाता है, या फिर पहले से मॉइस्चर उसमें रहता है, बढ़िया से वैक्यूम नहीं हुआ आता है, तो मॉइस्चर रहने की वजह से वो क्या होता है कि जब फ्रिज जब चलता है, तो जैसे ही फ्रिज का रेफ्रिजरेंट जो ठंडा होता है, तो जो उसमें मॉइस्चर होता है वो पानी बन के, और फिर ज़्यादा ठंडा होके बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है, और ये जब कैपलरी में इन करता है, तो ऐसे में कैपलरी बहुत पतला पाइप होता है और उसमें जाके चॉकिंग करा देता है, तो इसी को हम लोग चॉकिंग, मॉइस्चर चॉकिंग बोलते हैं। और जब फिर जब जब चॉक हो जाता है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं करता है, और ये कंप्रेसर हमारा ओवरलोड होके ट्रिप हो जाता है, और फिर कुछ देर के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है टेम्परेचर, तो वो जो बर्फ़ का छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो पिघल जाता है, और उसके बाद वो पिघल जाता है तो फिर से फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद फिर कुछ देर के बाद फ्रिज स्टार्ट हो जाता है और फिर से कूलिंग करना शुरू करता है। फिर जब कूलिंग हो जाता है तो होने लगता है जैसे ही, तो फिर से चॉकिंग हो जाता है। तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? इसे अब ठीक करने का यही तरीका है कि गैस आराम निकालना होगा, और ठीक से वैक्यूम करना होगा, एंटी मस्ट डालना होगा, और हो जाएगा, ये इजी है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, ये बताइए कि मॉइस्चर क्या होता है? जी मॉइस्चर, अगर हम लोग मॉइस्चर का बात करें तो हवा में उपस्थित, हवा में उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा को हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। अब एक दूसरा फ्रिज है मान लीजिए, और उसमें इवेपोरेटर के ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जम जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? जी सर, ये भी एक प्रॉब्लम आता है, मतलब जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर में, हमारे रूम में, वातावरण में ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ऐसे में जब फ्रिज हम लोग बार बार ओपन करते हैं डोर और क्लोज करते हैं, तो हर बार जब हवा इंटर करता है, बाहरी हवा इंटर करता है फ्रिज में, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके अंदर जाता है, और ऐसे में जब उसके अंदर जाता है तो इवेपोरेटर जो कि ठंडा होता है, तो वहाँ पर जब ये पहुँचता है तो वहीं पर बर्फ़ बन के वो चिपक जाता है इवेपोरेटर से। फिर जब फ्रिज खोलते हैं तो फिर उधर उसमें से कुछ हवा बाहर निकलता है, कुछ नया हवा इंटर करता है, ऐसे ही बार बार मॉइस्चर अंदर जाने लगता है और वो इवेपोरेटर के ऊपर जमते रहता है। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, अगर गैस्केट खराब है, जैसे डोर गैस्केट एक होता है जो बॉडी को और डोर को बढ़िया से क्लोज करता है, अगर वो भी कहीं लीक हो गया है, उधर से कंटिन्यू हवा इंटर कर रहा है, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाता है अंदर, और वो सीधे जाके इवेपोरेटर, चूंकि सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहीं पर वो बर्फ़ जमता है, और धीरे धीरे पूरा मोटा बर्फ़ जम जाता है। ये प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं। अच्छा, फ्रिज को OLP के बिना स्टार्ट किया जा सकता है क्या? हाँ काम करेगा वो, बिना OLP के भी काम करेगा तो फिर इसे लगाते क्यों हैं? जी। वो एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन जब कोई फॉल्ट आ जाता है, हमारा कंप्रेसर ज़्यादा करंट लेने लगता है, या फिर ओवरहीट हो जाता है ज़्यादा देर चलते चलते, तो जिसके वजह से वो ख़राब होने का डर रहता है, कंप्रेसर का मोटर और कंप्रेसर सिस्टम से ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए उसमें OLP लगा जाता है कि जब ज़्यादा करंट लेगा तो भी, और जब ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा तो भी, दोनों स्थितियों में वो ट्रिप करा देगा कंप्रेसर को, और कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाएगा। और किस स्थिति में ये ज़्यादा करंट लेता है? जी कंप्रेसर ज़्यादा करंट लेने का कई कारण हो सकता है, अगर चॉकिंग हो जाता है तो भी ज़्यादा करंट लेता है, अगर गैस ज़्यादा डाल दिए हैं तो भी ज़्यादा करंट ले लग सकता है, और चॉकिंग होता है तो भी, और कंप्रेसर में अगर ऑयल कम हो जाता है, ऑयल कम होने की वजह से भी वो कंप्रेसर जाम चलने लगता है और वो ज़्यादा करंट लेने लगता है। कंप्रेसर में ऑयल किस लिए डाला जाता है? जी कंप्रेसर में ऑयल डालने का मेन काम होता है कि उसमें लुब्रिकेशन हो, मतलब उसमें चिकनाहट पैदा हो, और
और कूलिंग कूलिंग करने का भी वो काम करता है। अगर कंप्रेसर में ऑयल नहीं डाला जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? जी, अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्रेसर जो है उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, और लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो जाम हो जाएगा और वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। और अगर स्टार्ट हो जाता है तो भी वो ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगा, ज़्यादा करंट लेगा, फिर ज़्यादा करंट लेगा तो ओ एल पी हीट होकर ट्रिप कराएगा, कंप्रेसर भी हमारा ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर कोयल कम हो जाता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फ्रीज है या जो एसी है वो काम ही नहीं करेगा। कौन सा ऑयल डाला जाता है इसमें? जी, कंप्रेसर ऑयल तो कई तरह का है, हम लोग अब रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट उस सिस्टम में डला हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग कंप्रेसर का ऑयल डालते हैं या चेंज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए R134A रेफ्रिजरेंट डालना है तो इसमें कौन सा ऑयल डालेंगे आप? जी, अगर R134A गैस डालना है तो उसमें हम लोग पोलिस्टर ऑयल डालते हैं सर, कंप्रेसर में। और अगर अल्काइल बेंजीन डाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? जी, अगर अल्काइल बेंजीन डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। एक्चुअली में सर, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो जब कंप्रेसर में सक्शन लाइन से जब इन करता है कंप्रेसर में, तो उसकी एक खासियत होती है कि रेफ्रिजरेंट जो है ऑयल के साथ जाके मिक्स हो जाता है, अंदर अंदर जाके वो मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो सक्शन लाइन से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का जो गैस आता है वो, चूंकि ऑयल हमारा हीट हो गया रहता है कंप्रेसर की वजह से, तो उस ऑयल में जब वो मिक्स होता है ठंडा रेफ्रिजरेंट, तो उसके टेम्परेचर को कम करा देता है। इस तरह से कंप्रेसर को कूलिंग मिलते रहता है और वो बढ़िया से काम करता है। लेकिन अगर हम दूसरा गैस डाल देते हैं जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो मिक्स नहीं होगा तो वो कूलिंग नहीं करेगा ठीक से, और कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल भी बार बार ट्रिप करेगा। ये वाला कौन सा एसी है? जी, ये तो इन्वर्टर एसी है, और इन्वर्टर एसी है, स्प्लिट एसी, 1 टन का स्प्लिट एसी है, इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है? जी, इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में कई अंतर हैं। मेन अंतर इसमें यही है कि ये थोड़ा बिजली की बचत करता है। ये क्यों कम एम्पियर लेता है? जी, कम करंट लेने का इसका कारण है कि जो नॉन इन्वर्टर का एसी होता है वो चलता है तो पूरा फुल स्पीड पे उसका कंप्रेसर चलता है और पूरा फुल कूलिंग अपने करता है, लेकिन वो हमेशा चलते रहता है। जब कूलिंग हो जाता है रूम में तो वो ट्रिप कर जाता है और बंद हो जाता है, और फिर कुछ देर के बाद वो फिर से ऑन होता है कंप्रेसर, और वो फिर से कूलिंग की प्रक्रिया चालू करता है। तो इसमें ऑन ऑफ होने में और फुल स्पीड पे चलने में ज़्यादा सप्लाई लगता है, जबकि ये जो नॉन इन्वर्टर एसी है ये एक बार चलता है और एक बार जब रूम कूल हो जाता है तो ये बंद नहीं होता है, बल्कि ये एम्पियर कम लेने लगता है, बहुत ही कम लेने लगता है, और थोड़ा थोड़ा कूलिंग हमेशा करते रहता है, जिससे ये कभी बंद ही नहीं होता है। अगर जितना देर तक चलाएंगे एक बार कूलिंग होने के बाद, वो थोड़ा थोड़ा एम्पियर लेगा और बहुत कम एम्पियर पे वो चलेगा, जिसकी वजह से बिजली में बचत हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 टन का विंडो एसी 3 स्टार का है तो वो कितना करंट लेगा? जी, किसी भी एसी का अगर आपको करंट निकालना है तो उसका तरीका होता है कि आप जितना टन का है उसमें 3517 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसमें उसका एक ईआर रेशियो आता है, हर स्टार हर अलग अलग स्टार रेटिंग का, और उससे आप डिवाइड करेंगे तो वो मिल जाएगा। अगर 3 स्टार का आप बोल रहे हैं तो 3 स्टार में 2.9 से 3.09 होता है उसका ईआर रेशियो, इससे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पावर लेगा, और उसके बाद उसमें 230 वोल्ट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिए तो ज़रा। हाँ सर, निकाल सकते हैं सर। Thank you.
जी सर, वो 9.89 एम्पियर से 10.5 एम्पियर के बीच में वो लेगा वो। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सर। ओके गुड, लेकिन ये 3517 ये क्या है? जी ये 3517 सर, एक्चुअली एक टन का जो एक टन होता है वो उसमें 12000 BTU होता है, और 12000 BTU को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग एक उसके बराबर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे तो उसमें 3517 VA होता है सर। तो ये इतना वाट लेना है और इसमें EER ratio से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा इसका कि वो रियल में कितना वाट लेने वाला है, और उसके बाद से हम लोग बस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो एम्पीयर निकल जाएंगे। अच्छा, एक BTU कितना होता है? जी एक BTU एक टन में 12000 BTU होता है, और एक BTU जो होता है एक पाउंड प्योर पानी को 1 डिग्री फॉरेनहाइट अगर टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए जितना भी हीट की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग एक BTU बोलते हैं। डबल डोर नॉन इन्वर्टर का एक फ्रिज है, उसका वायरिंग डायग्राम बनाइए। हाँ सर, बना सकते हैं सर। ये क्या बनाया है यार? ये तो टाइमर है सर। ये क्या करता है? जी फ्रिज में रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीटर को सप्लाई देने के लिए टाइमर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया चलती है। फ्रिज में हीटर क्यों लगाया जाता है? जी सर, एक्चुअली ये जो डबल डोर का फ्रिज है इसमें एक फिन एंड ट्यूब टाइप का इवेपोरेटर लगा रहता है, ऊपर में एक फैन लगा रहता है जो पूरा फैन इसके इसमें एयर के सर्कुलेट करता है, और अगर इवेपोरेटर पे बर्फ़ जमने लगता है तो बर्फ़ जम के वो इवेपोरेटर को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो उस पर बर्फ़ ना जमे इसलिए उस पर हीटर का कॉइल लगाया रहता है कि वो हीट करते रहता है जिससे कि उस पर बर्फ़ नहीं जमने देता है और वो ब्लॉक नहीं होता है। तो एसी को फ्रिज को ठीक से काम करने के लिए ही हीटर का प्रयोग किया जाता है, डिफ्रॉस्ट हीटर उसको कहते हैं सर। तो क्या हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया साथ में चलता है? नहीं सर, एक्चुअली इसमें ये टाइमर का तो वही काम है, टाइमर बारी बारी से रेफ्रिजरेशन सिस्टम को और हीटर को बारी बारी से सप्लाई देता है। आमतौर पे 12 से 14 घंटा तक कूलिंग की प्रक्रिया चलती है जिसमें कंप्रेसर को सप्लाई जाता है, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए वो सप्लाई हीटिंग कॉइल को जाने लगता है। तो वो कुछ देर तक हीट करता है, अगर बर्फ़ जमा है तो पिघला देता है, और ये चलते रहता है इस तरह से। तो बढ़िया से फ्रिज हमारा काम करता है, उस पर बर्फ़ नहीं जमता, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा तो बढ़िया से एयर सर्कुलेशन नहीं होगा और कूलिंग नहीं करेगा। मान लीजिए फ्रिज में हीटिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसी वक्त सप्लाई कट गया, तब तो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। जी ये जो हीटर होता है वो ज़्यादा हीट नहीं करता, वो 5 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करता है जिससे कि सिर्फ उस पर जमा हुआ बर्फ़ जो है वो पिघल जाए, उसके बाद बाईमेटल इसको ट्रिप करा देता है और ये कभी मतलब कि वो 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर कभी नहीं करता है, सिर्फ बर्फ़ पिघलाने के लिए करते हैं। और उस टाइम में ये फ़ैन जो होता है हमारा ऑफ होता है, फ़ैन ऑफ रहेगा तो अगर हीटर कुछ हीट भी करेगा तो
तो उसके हीट को इसके कैबिनेट के अंदर वो इसका हीट नहीं आने देता है। उस टाइम में वो हीट फैन बंद रहेगा तो उधर से एयर का सर्कुलेशन ही नहीं होगा, तो वो गर्म हो हवा इसके कैबिनेट में नहीं आएगा। तो हीटिंग करने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है, इसके कैबिनेट में कूलिंग बना रहता है। और ये वाला क्या बनाए हैं आप? कौन सा, ये वाला? हाँ वही। ये तो थर्मल फ्यूज है। थर्मल फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि अगर कभी बाई मेटल फेल हो गया, वो ख़राब हो गया किसी वजह से, वो ट्रिप नहीं कराया, तो हीटर तो हीट करते रहेगा। ऐसे में हीट करते करते अगर वो ज़्यादा हीट कर देगा तो वहाँ पे आग लगने की संभावना रहती है। तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जब वो हीट कर लेता है, हीटिंग कॉइल अगर हीट हो जाता है और बाई मेटल उसको ट्रिप नहीं करा रहा है, तो थर्मल फ्यूज लगा रहता है। और थर्मल फ्यूज जब वो कट जाएगा तो उसको फिर से रिप्लेस करना पड़ता है, वो किसी टेक्नीशियन से ही वो कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। थर्मल फ्यूज सिर्फ सेफ्टी का एक डिवाइस है जो लगा रहता है कि अगर बाई मेटल फेल हो गया तो ये थर्मल फ्यूज उसको बचा लेगा, और नहीं तो पूरा आग लग सकता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर देगा तो। अच्छा, किसी रूम में कितना टन का एसी लगेगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है? जी, एसी का साइज़ अगर निकालना है तो इस रूम में इसका एरिया डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, और इसका हाइट कितना है, और इसमें कितने लोग रहने वाले हैं ये भी डिपेंड करता है, और ये रूम जो है इस पर कितना ज़्यादा देर तक सनलाइट रहता है, इसके दरवाज़ा और खिड़की पे डायरेक्ट सनलाइट अगर आ रहा है तो ये भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही एसी का कितना साइज़ का लगेगा इसमें, ये सब डिसाइड किया जाता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपको ये गैस चार्ज करना है किसी फ्रिज में या एसी में, और ये आपको गैस मिला हुआ है और ये गैस है, तो कैसे आप इसको कनेक्ट कीजिएगा एसी से? हाँ सर, कर सकते हैं सर। अब ये वाला जो पॉइंट होगा सर, ये वाला पॉइंट अब फ्रिज में या एसी में जहाँ भी इसको गैस को चार्ज करना है इससे कनेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा सर। ठीक है बहुत अच्छा। आप बाहर चल के इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ अभी। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं।